हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो अभी दोपहर के बजे है एक, और मैं अभी निकल रहा हूँ मैकेनिक के पास। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं 29th को जा रहा हूँ लद्दाख, तो इसीलिए मैंने अभी बाइक दी है मेरे मैकेनिक के पास। तो वो मैकेनिक सुबह आया था घर पे और बाइक लेके गया है, तो उसने काम शुरू भी कर दिया है। तो अभी मुझे वहीं पे जाना है, तो अभी फटाफट मैं यहाँ से खाना खाता हूँ घर से और फिर निकलता हूँ। तो चलो, अभी खाना खा के तो हो गया है, तो अभी निकलते हैं बोईसर के लिए। तो आज लेके जाएंगे बुलेट, क्योंकि आपको पता ही है मेरी बाइक है वहाँ पे। और आज आपको मोटो व्लॉगिंग भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये वाला हेलमेट लेके जा रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे वो माउंट का है नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट सीधे मिलते हैं मैकेनिक के पास। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गैरेज में, और यहाँ पे अपने बाइक का काम चल रहा है। पूरी फेयरिंग वगैरह उतार दिए, क्योंकि ये ऐसे सब वायरिंग जो थे अनवांटेड, वो अभी निकालना है, क्योंकि इसी से बहुत खतरा रहता है। और यहाँ पे देखिए अपने बाइक का सामान सब पड़ा है, तो ऐसा कुछ धीरे धीरे काम चल रहा है बाइक पे। तो 1-2 दिन के अंदर बाइक रेडी हो जानी चाहिए, ऐसा तो मुझे लग रहा है। अभी भी काम चालू है मेरे बाइक का, पीछे आप देख सकते हो। तो दोपहर 2 बजे आया था और अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। तो अभी मुझे घर जाना होगा, क्योंकि आज नाना जी का 75वां बर्थडे है, तो उसी के लिए जाना होगा घर। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको घर पे मिलता हूँ। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर पे, आप देख सकते हो बेडरूम में हूँ। और अभी नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में 15-20 मिनट बाकी है, और धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं घर पे। तो अभी 15-20 मिनट मेरे पास है, तो उसमें मैं फटक से नहा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से मैं बाहर था और दोपहर में 2 बजे गया था, तो पूरा दिन धूप में रहने के कारण पसीना अभी बहुत आया है। तो अभी जाता हूँ फटाफट और नहा लेता हूँ, और उसके बाद नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और शायद मुझे लग रहा है कि बर्थडे के बाद सबका प्लान है कि बाहर जाके खाना खाने का, तो अगर वो होता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इकडे बघा इकडे बघा, इस तरह से हमने नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्चुअली वो आपने जो दिए देखे होंगे वो 75 दिए थे, क्योंकि नाना जी का 75 बर्थडे था, इसीलिए वो दिए जलाए जाते हैं। हाँ, तो अभी सभी लोग निकल रहे हैं खाना खाने को, तो अभी वही चलते हैं। तो अभी रात के बज रहे 12, और सबसे पहले मैं होटल से निकल गया था, क्योंकि जो ऊपर नाना रहते उनको बहुत नींद आ रही थी, तो इसीलिए वो मेरे साथ ही गए थे, तो इसीलिए मैं वापस उनको जल्दी लेके आया यहाँ पे।
तो अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट कल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये व्लॉग 2 दिन का मिला के बने, मतलब आज का और कल का, क्योंकि ये जो बाइक सर्विसिंग का व्लॉग है वो मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए अभी ये मैं वीडियो यहीं पे पॉज कर रहा हूँ और कल सुबह इसकी शुरुआत होगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे 9 और जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैं उठा हूँ, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि कल हम लोग खाना खा के बहुत लेट आ गए थे, मतलब 12 साढ़े 12 बजे आ गए थे, तो उसके बाद सोने को भी 1:30 2 बज गए थे, इसीलिए आज उठने में लेट हो गया। तो अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ फटाफट, और उसके बाद हम जाएंगे बोईसर, क्योंकि गाड़ी का काम अभी भी पेंडिंग है थोड़ा सा, तो आज के दिन में मुझे गाड़ी कैसे भी करके कंप्लीट करनी है। तो अभी खाना वगैरह खा के हो चुका हूँ रेडी, तो अभी जाते हैं बोईसर, क्योंकि मैकेनिक का फ़ोन आया था कि ऑलमोस्ट सब काम रेडी हो चुका है, खाली इंजन ऑयल बदलना बाकी है और कूलेंट बदलना बाकी है, और वो जो पीछे का टॉप बॉक्स लगता है वो बिठाना है। तो अभी यहाँ से जाते हैं बोईसर। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिक्शा से, क्योंकि बाइक वहाँ पे रेडी होने वाली है, तो उसे भी लेके आना पड़ेगा रात में, इसीलिए अभी तो रिक्शे से ही जाऊँगा। तो चलो अभी आपको थोड़ी देर में मैकेनिक के पास मिलता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ गैरेज में, तो अभी दिखाता हूँ आपको कि काम कैसे हुआ है मेरे गाड़ी का। तो कुछ इस तरह से अभी फ़िलहाल लग रही है बाइक, और ये एक सैडल स्टे ये लगाया है और टॉप रैक लगाया है, ये नए वाले फॉग लाइट, एक बार चालू करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से वाइट कलर के हैं और येल्लो भी है। तो अभी ये गाड़ी थोड़ा सा साफ कर रहा है मेरा। तेरे को मार्केट में दिखाना पड़ेगा ना अभी। ये हमारे रोशन मैकेनिक है, बोईसर के किंग, अब फार्म के छावा छावा मुंह दिखाना ही जाए। हाँ तो मुंह दिखाना चाहिए। मैं गाड़ी पहुंच रहा हूँ। हाँ पहुंच, अल्लाह पहुंच दिया गया, ये रहा पहुंच। तब आ जाएंगे, आ जाओ तीनों, आ जाओ आ जाओ। तो अभी ये डाल दिया है ऑयल बाइक में, तो अभी खाली बाकी है कूलेंट और यहाँ का जो टॉप बॉक्स लगता है वो, तो ये सिर्फ खाली दोनों काम बाकी है, तो उसके बाद अपना गाड़ी टोटल रेडी है लद्दाख जाने के लिए। तो ये इसने एक काम किया है गाड़ी पे, ये एक और वो जो सामने खड़ा है, तीनों ने मिलके, और उनका हेड मैकेनिक जो उधर है, ये तीनों चारों ने मिलके काम किया है। हाँ ये अभी लगने वाला है, ये लगने वाला है। सो हेलो गाइस, अभी बजे है रात के 10:30 और जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं घर पे पहुंचा हूँ। तो आप सोच सकते हो मैं दोपहर के 2 या 3 बजे मैकेनिक के शॉप पे गया था, और अभी 10:30 बजे घर पे आया हूँ, तो इतना टाइम लगा मुझे उस शॉप पे। तो आपने लास्ट वाले शॉट में देखा होगा, वो मैकेनिक मिलके बाइक में ऑयल और कूलेंट डाल रहे थे, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि गाड़ी में एक के बाद एक काम बढ़े जा रहा था। और सबसे बड़ी तकलीफ दी वो फॉग लाइट ने, क्योंकि मेरे एक तो बाइक का शेप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब मैंने 7 साल पहले बाइक ली थी तो इतना एडवेंचर का कल्चर नहीं था बाइक इंडस्ट्री में, तो उस हिसाब से वो बाइक बनी नहीं है, तो इसके लिए उस पे फॉग लाइट वगैरह लगाने का थोड़ा सा चांस कम है। तो इसीलिए मैंने वो जाके क्रैश गार्ड लगवाया था थाने में, तो क्रैश गार्ड पे भी फॉग लाइट नहीं लग रही थी, और ऐसा थोड़ा सा ऊपर लगाने से उसके सामने इंडिकेटर आ जाता था, और नीचे लगाने से उसके एडजस्टमेंट में थोड़ा सा उसको तकलीफ हो रहा था। तो अभी भी उसका काम पेंडिंग है, तो मैकेनिक को मैंने बोला है कि मैं कल सुबह एग्जैक्टली 10 बजे आ जाता हूँ, तू भी आ जा करके, और 1 से 1.5 घंटे में पूरा बाइक का जो रिमेनिंग काम है वो अपन निपटा देंगे, क्योंकि कल मुझे जाना है मुंबई जैकेट और ग्लव्स लेने, तो मैंने अभी तक वो भी नहीं लिया है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है। और बाइक के फाइनल शॉट्स अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, आने वाले 1-2 वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये प्रिपरेशन वाले वीडियो में बाइक कैसी लग रही है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो जब भी मेरी जर्नी स्टार्ट होगी तभी मैं आपको बाइक दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर चैनल के बारे में कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता देना। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन, कीप राइडिंग, स्टे सेफ।